हे गाइस, तो चलिए आज बनाते हैं 3-in-1 यमी सा हलवा। तो ये इतना स्वाद है कि बड़ी जल्दी बन जाता है और आपको टेस्ट भी इसका बिल्कुल अलग लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक कढ़ाई लीजिए, उसमें डाल दीजिए आप घी। 2 बड़ी चम्मच घी डाला है हमने और इसमें 1/4 कप मैं डाल रही हूँ सूजी, 1/4 कप यहाँ पर मैं डाल रही हूँ बेसन और 1/4 कप ही यहाँ पर डाला है मैंने गेहूँ का आटा। यानी तीनों चीज़ें जो आप डालेंगे ना बिल्कुल इक्वल क्वान्टिटी में डालिएगा और इसको अच्छे से यहाँ पर हमें मीडियम से लो फ्लेम पे भून लेना है। तो खूब अच्छे से भूनिएगा ताकि इसकी जो स्मेल है वो आ जाए और इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल चेंज होकर इस तरीके से ब्राउन हो जाएगा। तो ऐसा करने में लगभग 5 से 6 मिनट आपको लग जाएंगे और जब आप देखेंगे ना कि ये तेल भी यानी जो घी है वो भी छोड़ने लगेगा कढ़ाई में और बहुत बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए पानी। अब पानी कितना डालेंगे, इन सारी चीज़ों को मिला के जितना आपने यूज़ किया था, जैसे 1.5 कप हो गया तो 3 कप पानी डाल दीजिए, तो उस हिसाब से आप पानी डालिए। और उसके बाद पानी जब उबल जाए उसको मिक्स करिए, फिर डाल दीजिए किशमिश और ढक्कन लगा के 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने दीजिए। उसके बाद जब सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो यहाँ पे उसको और मिक्स करना है अच्छे से ताकि बिल्कुल थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। अब इसके ऊपर डालेंगे हम, क्योंकि हम हेल्दी सा बना रहे हैं तो इसमें डालेंगे हम जो गुड़ का बूरा होता है वो। तो यहाँ पर मैंने डाला है 3/4 कप और उसके बाद उसको भी मिक्स कर देंगे। गुड़ डालने से क्या होता है कि इसका कलर भी बहुत बढ़िया आ जाता है और टेस्ट भी। तो अच्छे से मिक्स करके पकाइए और हिला हिला के 1 से 2 मिनट के लिए इसको और भून लीजिए, जब तक कि जो हलवा है ना वो कढ़ाई छोड़ने ना लग जाए। बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो सूजी आटा सब आपने यूज़ किया उससे डबल क्वान्टिटी का आपको पानी डालना है। और बस आपका यम्मी सा जो 3-in-1 हलवा है जिसमें आपको सूजी का फ्लेवर भी आएगा, बेसन का भी आएगा और आटे का भी आएगा हलवा, वो बनके रेडी है। तो बस बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।